अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको मैं मालूमात देता जाऊं, पहले बात जो मेरे पानी है इसका पानी इस साले पानी से बचा करो। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, आने वाले दोस्तों को वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। एग्रीकल्चर फार्म के हवाले से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आपको मालूमात देते हैं हम एग्रीकल्चर फार्म के हवाले से। आज की मालूमात है तरानी एग्रीकल्चर बनाना फार्म। हमारे पास बनाना फार्म भी है और इसमें हम मुख्तलिफ वैराइटीज जो बनाना की है वो तैयार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो मेरे पास नया बीज, जिसको बीज बोलते हैं, वो मैंने इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट करवाया है। इधर आ जाए, इसका आप छूट देख लें। ये एक ये बीज है, मैंने मुख्तलिफ मंगवाए, एक उधर लगवाया मैंने उस एकड़ में, एक इस एकड़ में लगवाया, और कम बीज मंगवाया इधर से। मैं आगे सपोर्ट करूँगा, आगे मतलब बीज तैयार करूँगा, आगे नर्सरी बनाऊँगा इसकी, बीज की नर्सरी के लिए तैयार किया गया। और इसका आप लूंगर देख रहे हैं इसकी, माशाल्लाह केले की फलाई देख रहे हैं आप। ये इसका केले का साइज़ है माशाल्लाह से। आपने औरों को भी केले देखे होंगे, ये जो तरानी एग्रीकल्चर का केला है माशाल्लाह से आप देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये सिर्फ बीज मैंने ये तैयार कराया, फिर देखें कि ये हमारे जो सिंध में जो मौसम है उसके ये मौसम को एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो इसकी रिजल्ट आ रहे हैं, जो इस बीज का रिजल्ट आया है माशाल्लाह से, इसमें आपने केले का थोड़ी भी माशाल्लाह ज़बरदस्त किया इसने, ज़बरदस्त। अभी जो इसमें जो इसका जो बच्चा निकलेगा, जो लूंगा निकलेगा केले का, वो इससे ज़्यादा ताकतवर होगा, इससे ज़्यादा ताकतवर होगा। ये जो शुरुआत का बीज है जो पहले निकला है, तो अभी ये अभी वो निकलने को आ गया है, ऊपर है, बहुत ऊपर है, आप देख सकते हैं कितनी ऊपर है। मैं कम से कम फिट ऊपर खड़ा हूँ एक बन्ने पे, और पानी लगा हुआ है इस वजह ज़मीन के अंदर उतर नहीं सकता है। तो इसका जो बीज माशाल्लाह से ऐसा तैयार किया, ये इंडोनेशिया का बीज है, जो नायाब बीज वहाँ पर तो इंडोनेशिया में बहुत होते हैं। बहरहाल मैंने बोला अभी हमारे सिंध में भी हमारे ऐसी ऐसी वैरायटी तैयार करनी है, ताकि हमारे जो सिंध के आबादगार उनके लिए, ताकि उनको वो जो एक लूंगर का जो मण का लूंगर है वो इधर ही उनको हासिल हो, ताकि एक लूंगर मण का होगा तो उसकी बचत और उसकी जो स्पेस, मतलब एक एकड़ में कम से कम नहीं भी कमा सकता वो 15 से 20 लाख रुपया कमा सकता है। अगर ये बीज तैयार हो गया तो उसका एक लूंगर एक मण का, उसमें एक थुन में से दो लूंगर निकलेंगे, तीन निकलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी देख रहे हैं इसमें थुड़ कितने, 1 2 3 4। अभी ये लूंगर देखें, इसकी कटाई होगी, अभी ये तैयार है फूल, ये तो हमने सेल करने के लिए नहीं अभी रखा, ताकि है ये कम, अभी कम से कम 4-5 दरख्त इधर लगाए हुए हैं, 4-5 उधर हैं। ये फिलहाल बीज हम तैयार कर रहे हैं, ताकि कम से कम हम 30 से 40 एकड़ हम इसका आने वाले 2 सालों में इसका 30 एकड़ का केले का बीज हम तैयार कर सकते हैं। अभी तो टिश्यू कल्चर है, तो इसके जो थोड़े उसमें से बीज निकलते छोटे छोटे, वो लेबोरेटरी में जाते हैं, टेस्ट होते हैं, वो लेबोरेटरी का भी मैं आपको मुआयना करूँगा किसी दिन इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी बनाना की जो लेबोरेटरी है उस पर आएगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी मेहनत आपके सामने, आप देख रहे हैं इसको, ठीक है, इसका माशाल्लाह साइज बहुत ही बेहतरीन है। आपने तो आज तक चाइना वालों को देखा होगा, कमाद को ऐसे छीलते हैं, ऐसे करते हैं गंदे, पर हम केला कितना नाजुक चीज है, कोई भी ऐसे करता है बस केले की खाल उतर जाती है, पर इसकी खाल कितनी मजबूत है आपके सामने है। ये देखो ये इसकी खाल है, और इसका रंग देखो कैसा माशाल्लाह पीला, अंदर से पीला, जैसे बाहर का पीला पीला बने वैसे ही अंदर का। अभी ये फूल तैयार नहीं है, फूल तैयार नहीं है, तो इसका माशाल्लाह जायका भी बहुत नायाब है। ओहो शिट गिर गया, देख लें आप, मतलब मैं बोलता हूँ किसी दोस्त ने एक केला खा लिया ना उसे पेट वैसे ही भर जाएगा, बहुत नायाब मीठा माशाल्लाह। नाज़रीन मीठापन चेक करो,
माशाल्लाह शादी होनी चाहिए। इधर आओ, दो बंदों की शादी में आपके सामने लेके दे रहा हूँ, इधर आ जाओ, इधर दोस्त भी आपको देखे। ज्यादा मेहनत इस दोस्त की है मेरे की, जो इसको वक्त पे पानी देता है, इसकी देखभाल यही करता है। इसका नाम अदनान आराई है खुद, और माशाल्लाह से केलों के साथ साथ ये भी मशहूर हो गया यूट्यूब, सॉरी टिकटॉक पे बड़ा फेमस हो गया, फेमस स्टार हो गया केलों के बारे में मालूम है, मैं से ज़्यादा भी ये जानता है केलों के बारे में। माशाल्लाह मेरे को कुछ पूछना होता है मैं इससे ही पूछता हूँ, भाई अदनान भाई भाई बताओ इसकी क्या मालूम देनी है, किस टाइम पानी देना है, किस टाइम पर बांध देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी अदनान भाई ये क्या कर रहे हो अभी, इसको बता दो दोस्तों को। ये सफाई होगी इसकी, हाँ, फिर उसके बाद ये रेट भी अच्छा करता है, हाँ, फिर उसके बाद गंदगी नहीं होती। सही, सफाई का मलो, सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं करनी। आप देख रहे हैं अदनान भाई की मालूमात माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहरहाल इसकी आवाज़ अभी फिलहाल कम है क्योंकि ये तो सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो देता है गाने लगा के, अभी नया नया है, आइंदे आते आने वाले वक्त में मेरे यूट्यूब चैनल को यही चलाएगा इंशाल्लाह, मुझे इस पे भरोसा है, जो मालूमात मेरे से ज़्यादा इसको मालूमात है यही आपको आगे मालूमात दिया करेगा इंशाल्लाह। फिलहाल जब तक मैं हूँ आपको मालूमात मैं दूंगा, अगर मेरे को अल्लाह ना माफ़ी हो मैं मर गया कुछ हो गया तो मेरे यूट्यूब चैनल धनी ये यूट्यूब चैनल का आपको मालूमात देने का धनी ये, कल को यूट्यूब में कुछ भी कमाई आएगी ना आप सब दोस्तों की वजह से इस बेरोज़गार का पेट भर जाए पेट भर जाएगा। आदरा दोस्तों को भी बोलो ना भाई हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन आप बांध के बोलेंगे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, पंजाबी में बोलो पंजाबी सब्सक्राइब भी करी दा हुंदा वा, हां बेल आइकन भी दबाई दो, लाजमी है लाजमी, मेहरबानी। हां ते ए अपना अदनान आ रही और निकनेम इसका अदनान पंजाबी, पंजाबी पंजाबी बोलते हैं माशाल्लाह से, केलों की देखभाल इससे अच्छी कोई नहीं कर सकता, ये मालिक का भी काम करता है, कौन सा बच्चा रखना है, कौन सा बच्चा किस टाइम नहीं रखना। अभी ये जो आज का जो गिफ्ट है, इसने बोला साहब आ जाओ आज केले का लूंगर में से एक फलाई पकी है सिर्फ आपके लिए, मैं बोला मेरा हक कम है इसका हक ज़्यादा है, ये अदनान भाई आप खाओ सारा खाओ बस पूरा खाओ, पूरा ही खाना है आपने, नहीं खाओ खाओ खा लो इसमें ताकत। हाँ पहली बात केले की जो ताकत है मर्दाना ताकत, आपको पता है केले में कितने ज़्यादा इस्तेमाल केला होता है खाने में, फ्रूट में मिल्क शेक में केले का इस्तेमाल होता है, इस वजह से केले में बहुत ज़्यादा ताकत है, मकदार है, विटामिन ए से लग के जेड तक सारी विटामिन इसी में है भाई, किसी दोस्त को नहीं भरोसा ट्राई करके देखें। आज की वीडियो आप सब दोस्तों की मालूमात के लिए, इसका बीज जैसे तैयार होगा आगे हम आपसे जो मैं हमारे दोस्त हैं जो आबाद गा रहे हैं वो अगर लगाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह, जो भी दोस्त मेरे से रब्ता करता है किसी भी चीज़ के हवाले से इसको उनको मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, आबाद गार के हवाले से उनको केले का बीज चाहिए होता है हम प्रोवाइड करते हैं, उनको नारंगियों का बीज कलम चाहिए होती है, ग्रेप फ्रूट की कलम चाहिए होती है, हमारे को बोलते हैं हम अपने भाइयों के लिए हर वक्त अवेलेबल है, हमारे से जितना पूछता है हम करते हैं। हमने दोस्तों आज की वीडियो लाइक कमेंट शेयर लाजमी वजह चले बस।